हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं नीलम सिंह चैनल और मैं हूं नीलम। तो आज मैं बताने वाली हूं आपको कि आप अपने फेस से फेशियल हेयर इजीली तरीके से कैसे रिमूव कर सकती हैं, या आप इसे कर भी सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। तो वो मेरा सीक्रेट क्या है, मैंने इसे फर्स्ट टाइम यूज किया तो उसकी एक्सपीरियंस जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ये, मैं चारकोल मास्क क्रीम के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ, क्योंकि मैं इसे आज अप्लाई करने वाली हूँ अपने फेस पे और मैं चाहती हूँ कि जो मेरे इसके लगाने का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो चलिए मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई करूँगी, लेकिन अप्लाई करने से पहले एक बार मैं बोलूँगी आपसे कि अपने फेस को आप क्लीन कर लीजिए, उसके बाद इसको अप्लाई कीजिए। तो चलिए इसको लगाते हैं और देखते हैं कि इसका एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि मैंने इसे पहले कभी यूज़ नहीं किया। हाँ, मैंने इसको अपने फेस पर अप्लाई करने से पहले अपने हैंड पर अप्लाई कर लिया, तो हैंड में भी मेरे अभी हेयर नहीं थे तो हैंड में तो ऐसे दर्द हुआ थोड़ा सा, बट देखते हैं कि फेस का क्या रिएक्शन होता है। तो चलिए इसको अपने फेस पे अप्लाई मैं करती हूँ। और थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता दूँ कि ये आपको पता ही है कि ये चाइना चारकोल मास्क क्रीम है, जो कि और इसका वेट है आपको 100 ग्राम इसका वेट है, 130 ग्राम इसका वेट है। और इसे मैंने आई होप 99 में लिया था, इस पर तो मुझे दिख नहीं रहा कहीं। हाँ, इसे मैंने आई होप 99 में लिया था। और मुझे क्योंकि मैं कभी कभी लगता है ऐसे कि ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स हमारे नोज़ वाले एरिया पास मतलब लगता है कि हो गया है, तो उसके लिए ये मैंने मंगाया है कि मैं देखती हूँ कि ये कितना काम करता है और क्या इसके हैं जो मैं इसके बारे में सोचती हूँ वो सही है या गलत है, या ये कितना पेनफुल होता है हमारे फेस के लिए। तो चलिए इसको लगाती हूँ और अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मेरे पूरे वीडियोस को देखिए और देखिए कि आगे इसका क्या रिजल्ट होता है, क्योंकि मैं भी इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ तो मुझे भी इसका बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। तो लेकिन उससे पहले मैं उन लोगों से पहले बातें कर लूं कि जो फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी मैं आपको ये अपने फेस पे लगा के दिखाऊंगी, लेकिन आपको सजेस्ट करूंगी कि इसको आप अपने फेस पे लगाने से पहले आप अपने हैंड पे इसको लगा के देख लें कि आपके फेस में अगर फर्स्ट टाइम यूज आप कर रही हैं तो ये आपके फेस पे कहीं जलन ना दे या ये आपके फेस पे सेट करे या ना करे। तो चलिए अप्लाई करते हैं इसको अपने फेस पे। तो अपने फेस पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। मैंने इस तरह इसको बोल में निकाली और ब्रश ले लिया, क्योंकि ब्रश के हेल्प से ये इजीली तरीके से लगेगा आपके फेस पे। और इसको अप्लाई करती हूँ मैं अपने फेस पे। आप अप्लाई करने से पहले अपने हेयर को अच्छी तरह सिक्योर कर ले और इसको आँखों के आसपास आप नहीं लगाएं, क्योंकि ये हार्मफुल होता है आँखों के लिए। तो ये देखिए, इस तरह मैंने अपने पूरे फेस पे इसको अप्लाई कर लिया है और धीरे धीरे करके अप्लाई करेंगे और अपने हेयर को अच्छे से देखते हुए, ताकि जो मेरे हेयर है फोरहेड पे बहुत सारे हेयर हैं मेरे, तो उसके अकॉर्डिंग जो मेरे बड़े साइज के हेयर हैं उनको थोड़ा सा बचाते हुए मैं इस मास्क को अप्लाई करूँगी। और नोज़ वाले एरिया पर थोड़ा सा आप डीप करें, क्योंकि ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स यहाँ पर होते हैं, और यहाँ पे भी आप थोड़ा सा इसको सावधानी से अप्लाई करें आप अपने फेस पे, क्योंकि ये जो बड़े बड़े हेयर में अगर चिपक जाएंगे तो निकलेगा तो काफ़ी पेनफुल रहेगा। तो इसको थोड़ा सा देखते हुए आप अप्लाई करें, हो सके तो आप इसको के पास अप्लाई नहीं किया है। तो ये देखिए, मैंने पूरे फेस में अच्छी तरह अप्लाई कर लिया है। नोज वाले एरिया में थोड़ा सा मैंने इसलिए नहीं लगाया है वहाँ पे कि वो नोज पिन में मेरे चिपक जाएगा तो फिर निकालने में बड़ी मुश्किल होती है। तो यहाँ पर मैं देखिए इसको अप्लाई करूँगी, और यहाँ पे जब भी नोज वाले एरिया के पास आप हो सके तो एक मोटी लेयर अप्लाई करें, क्योंकि वो ब्लैक हेड जो है, अगर पतली लेयर आप अप्लाई करेंगे तो सूखने के बाद आई होप वो आपके नोज से जो ब्लैक हेड्स हैं जैसे फेशियल हेयर ब्लैक हेड्स रिमूव हो जाएंगे। तो ये देखिए, मेरा जो मास्क है वो मैं इसे सुखाऊंगी पंखे के सामने, क्योंकि आप इसे गर्मी में अगर रहिएगा तो पसीने होंगे तो ये आपके फेस से नहीं सूख पाएगा, इसलिए आप इसको पंखे के सामने थोड़ी देर बैठ जाए तो ये सूख जाएगा। ये देखिए, ये मेरे फेस पे बिल्कुल ड्राई हो गया है, बिल्कुल सूख के ये मास्क एकदम जो फेस है वो सिकुड़ गया है। तो इसको हम नीचे साइड से इस तरह धीरे धीरे निकालेंगे। और ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा सा पेन हो रहा है यहाँ पे निकालते वक्त, और यहाँ से धीरे धीरे करके मैं पहले इसको जो साइड वाला चीज़ है इसको पहले धीरे धीरे करके
आप अपने फेस से इसको निकालें, एक बार ना निकालें नहीं तो ये आपके फेस के लिए बहुत पेनफुल होगा, क्योंकि ये पेन हो रहा था मेरे फेस पे जब मैं इसको निकाल रही हूँ। तो इस तरह इसको मैं निकालूंगी, क्योंकि यहाँ पे इस साइड वाले एरिया में हमारे जो हेयर होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं। ये वाला एरिया मेरा सबसे कम पेन हुआ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल हेयर नहीं थे, और इधर मुझे पेन हो रहा था क्योंकि यहाँ पे हेयर थे, इस वजह से। ये देखिए इस वाले एरिया पे पेन हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो यहाँ देखिए, और इसको धीरे धीरे करके पहले अप करते हुए लगाएंगे। आप इसको बहुत ही सावधानी से निकालें, धीरे 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 करके, तभी ये अच्छा होगा, नहीं तो ये बहुत पेन हो रहा था निकालते वक्त। ये देखिए, लेकिन ये थोड़ा पेन तो हो रहा है, बट जो हमारे हेयर हैं वो फेशियल हेयर वो इजीली इससे निकल रहे हैं। ये देखिए फेस कितना क्लीन क्लीन सा लग रहा है निकलने के बाद। वाह, पेन तो हो रहा था बहुत, जिसके फेस में काफ़ी फेशियल हेयर होंगे उनको कितना पेन होगा ये मैं समझ सकती हूँ। और हेयर के पास यहाँ पे देखिए मेरे कुछ बड़े बड़े हेयर भी इसमें जो हैं लग गए हैं, तो मैं इनको थोड़ा सा बचाते हुए इसको अपने फेस से रिमूव करूँगी, नहीं तो वो पेन बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जो मेरा हेयर है वो अगर इसमें लगा हुआ है वो। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी सावधानी से इसको रिमूव करूँगी। ये देखिए आप देख सकते हैं छोटे छोटे कितने सारे हेयर रिमूव हुए हैं, और नोज वाले एरिया से भी इसको धीरे धीरे करके हटाएंगे। देखिए ये पूरे फेस से मैंने इसे निकाल लिया। अब एक बार अपने फेस को ठंडे पानी से अप्लाई करूँगी, सॉरी धो वॉश करूँगी। यहाँ पे बहुत सारे ये मेरे फेशियल हेयर रिमूव हुए हैं, जो नहीं दिख रहा है कैमरे के सामने आपको, लेकिन इसमें बहुत छोटे 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 से रिमूव हुए हैं, आपको थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा हो अगर तो। ये देखिए हाँ पेन तो होगा फेस में, लेकिन फेस जो है हमारा जो फेशियल हेयर है वो बिल्कुल अच्छी तरह रिमूव हो गया है। और यहाँ पे देखिए जो हमारे ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स हैं ये भी बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, रिमूव हो गए हैं इजली, और पूरा फेस बिल्कुल क्लीन क्लीन लग रहा है। एक्चुअली मेरे फेस पे फेशियल हेयर कम है, या अपर लिप्स के पास मेरे हेयर कम है नहीं है, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पेन नहीं हुआ। बट इन सारे एरिया में, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ये लॉक होता है, यहाँ पे ये हेयर होता है सभी के ये वाले एरिया पे, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा पेन हो रहा था। फिर मुझे इस वाले यहाँ पे थोड़ा सा पेन हो रहा था, यहाँ पे पेन हो रहा था मुझे, क्योंकि यहाँ पे मेरे हेयर हैं बहुत सारे, जो बड़े हेयर भी मेरे चिपक गए थे। ये देखे जैसे यहाँ अभी भी लगे हुए, मैंने अच्छे से इनको चिपक गए हैं, छूट ही नहीं रहे थे। तो पूरा मतलब कि अगर आपके हेयर आपके फेस में ज़्यादा हेयर है, किसी किसी के फेस में ज़्यादा यहाँ पे हेयर होते हैं बहुत ज़्यादा, या अपर लिप्स के ऊपर भी बहुत सारे हेयर होते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा। तो वो प्लीज़ इसको मत करें, और यदि अगर वो सह सकते हैं इस पेन को तो वो कर सकती हैं। तो चलिए, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको लाइक कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो। तो चलिए किसी ने वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।